एम सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरा नमस्कार नमस्कार। और माँ गुरु जी अविनाश सर को भी मेरा नमस्कार। उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा आज जिनकी डिसीजन की वजह से ये मीटिंग हो पा रही है और मुझे मौका मिला है आज आप लोग के सामने आज फॉलोअप के बारे में मैं कुछ बातें बताऊं और साथ ही साथ जितने भी रेड क्लब हमारे साथ में हैं, खेम सर, सुरेशना मैम, डिकी मैम, अल्पना मैम, नारायण सर, सभी को मेरा नमन। तो सर स्लाइड शेयर करें सर, हाँ प्लीज। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सर? जी सर जी यस सर। स्लाइड आ गया सर? जी तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रॉयल क्रांतिकारी टीम में स्वागत है ना, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज दोस्तों हम और आप बात करने वाले हैं फॉलोअप के बारे में, जो कि इस बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये फॉलोअप को अगर कहीं ना कहीं हम और आप सीख जाते हैं फॉलोअप करना, और ये फॉलोअप की जो टेक्निक्स है उसको हम सीख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस करना हमारे और आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। आज जो पूरा का पूरा जो सेशन है आज फॉलोअप के ऊपर रहेगा और आज हम फॉलोअप के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी कंपनी सेफ शॉप को और हमारे कंपनी के जो विजनरी डायरेक्टर, जो हमारे पांच पांडव है, जिन्होंने एक ऐसी कंपनी का निर्माण किया जिस कंपनी के अंदर दोस्तों ना किसी से किसी की डिग्री पूछी जाती है, ना किसी से किसी का बैकग्राउंड पूछा जाता है। बस एक ही चीज पूछी जाती है, आपके पास में इच्छा है क्या? आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं क्या? आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? ऐसी कंपनी का निर्माण ये पांचों पांडवों ने मिलकर किया और जिनका नाम हमको और आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे ऑपरेशन डायरेक्टर मिस्टर रजत वर्मा, फाइनेंस डायरेक्टर मिस्टर हरीश सोंधी, टेक्नोलॉजी डायरेक्टर मिस्टर सिद्धार्थ सहगल, मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर राजू आनंद एंड एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर मिस्टर राजपाल अरोड़ा। मैं चाहता हूँ ये हमारे पांचों विजनरी डायरेक्टर्स के लिए अभी तक की एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। थैंक यू। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हमारे मेंटर्स और हमारे टॉप लीडर्स के बारे में। आज आज मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिल रहा है और आज मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं ये हमारे टॉप लीडर और मेंटर्स का हाथ है। और मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा हमारे ट्रिपल एस के फाउंडर लीडर मिस्टर राजीव राजीव चतुर्वेदी, महागुरु जी मिस्टर संजय जैन, महागुरु जी मिस्टर ओम प्रकाश सर, महागुरु जी मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल और हमारे रॉयल स्टार टीम के टीम अचीवर्स के कैप्टन हमारे महागुरु जी मिस्टर डीवीआर मूर्ति और हमारे महागुरु जी मिस्टर सरनाम सिंह, महागुरु जी मिस्टर नवल सिंह, महागुरु जी मिस्टर योगेश कुमार, महागुरु जी मिस्टर रवि शर्मा एंड महागुरु जी मिस्टर अविनाश अधिकारी। मैं चाहता हूँ हमारे सारे के सारे टॉप लीडर्स और हमारे मेंटर्स के लिए अभी तक की एक जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू। क्योंकि दोस्तों अभी तक जो कुछ भी हो पा रहा है, जो काम हम कर पा रहे हैं और हम जहां तक भी इस बिजनेस में पहुंचेंगे, जितनी तेजी से हम सक्सेस लेंगे, जो भी हो पाएगा हमारे मेंटर्स की वजह से हो पाएगा। और इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं फॉलोअप। व्हाई फॉलोअप? फॉलोअप इस बिजनेस में इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? सबसे पहले तो दोस्तों आपको स्लाइड में नजर आ रहा होगा द फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप। क्योंकि दोस्तों फॉलोअप एक ऐसी चीज है इस बिजनेस में, सारे लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन दोस्तों ज्वाइन होने के बाद में भी क्या होता है, हम जब इस बिजनेस में काम करना स्टार्ट करते हैं हम कहीं ना कहीं ढेर सारे लोगों को प्लान दिखाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो इम्पोर्टेंट स्टेप है इस बिजनेस का फॉलोअप, वो कहीं ना कहीं हम और आप नहीं कर पाते। और यहाँ पे एक बात लिखा गया है, फॉलोअप में हमारा भाग्य है। जो इंसान फॉलोअप करता है वो अपने भाग्य को चमका सकता है, वो अपने भाग्य को अच्छा बना सकता है। तो दोस्तों हमें और आपको फॉलोअप करना चाहिए। और फॉलोअप एक ऐसी चीज है, केवल हम ही फॉलोअप नहीं करते, हर जगह पे जहां पर भी लोग सेल्स में है हर सेल्स का बंदा फॉलोअप करता है। आपने देखा होगा अगर आप शोरूम में जाते हैं कार खरीदने के लिए तो वो भी आपका नाम और नंबर लेता है और वो आपका फॉलोअप करता है। आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो आपका नाम और नंबर नोट किया जाता है और वो लगातार आपका फॉलोअप करता है। दोस्तों उसी तरीके से इस बिजनेस में भी फॉलोअप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और आगे हम बात करेंगे फॉलोअप के बारे में कि इसमें कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्हाई फॉलोअप। फॉलोअप क्यों जरूरी है इस बिजनेस में? क्योंकि इस बिजनेस में हम आते हैं, लोगों को हम प्लान दिखाते हैं, यस या नो? लोगों को हम प्लान दिखाते हैं लेकिन प्लान दिखाने के बाद में ये फॉलोअप क्यों जरूरी है, ये जानना कहीं ना कहीं हमारे
लिए बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये चीज हमें पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमें इस बिजनेस में सक्सेस लेने में बहुत तकलीफ हो सकती है और बहुत समय लग सकता है। सबसे पहले दोस्तों फॉलो अप हमने क्यों करना है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, आप देख सकते हैं, टू क्लियर द विजन। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं लेकिन जब वो सिर्फ प्लान देखते हैं तो उनको मात्र 10% ही बिजनेस के बारे में समझ में आता है, उसके अलावा उनको इस बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और जब तक हम और आप उनका फॉलोअप नहीं करेंगे तब तक उनको इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, और पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी तो उनका विजन क्लियर नहीं होगा और वो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को हो सकता है ज्वाइन तो कर लेंगे, आपके साथ में प्रोडक्ट तो ले लेंगे लेकिन आपके साथ में काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। कोई भी आदमी इस बिजनेस में तब काम करता है जब उसका विजन क्लियर होता है, और विजन तब क्लियर होगा जब हम और आप प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करेंगे। इसके अलावा दोस्तों फॉलोअप क्यों करना चाहिए, टू क्लियर द डाउट्स। जो भी नए लोग हमारे साथ में इस बिजनेस में आते हैं उनके साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जब तक हम उनका फॉलोअप नहीं करेंगे उनका डाउट्स क्लियर होने वाला नहीं है, और जब लोगों का डाउट्स क्लियर नहीं होगा वो इस बिजनेस में आगे काम नहीं करने वाले। तो दोस्तों फॉलोअप करने से लोगों का डाउट क्लियर होता है। तीसरा, टू क्लोज द सेल। दोस्तों इस बिजनेस में हमारा और आपका चेक केवल रजिस्ट्रेशन, किसी आदमी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, हम बोलते हैं सर इस हफ्ते मेरे साथ में 10 लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन दोस्तों अगर 10 लोगों ने आपके साथ में केवल रजिस्ट्रेशन किया है तो आपके पास में पैसा आने वाला नहीं है। आपके पास में इनकम तब आती है माय डियर फ्रेंड्स जब नए लोग आपके साथ में आपको सेल देते हैं, सेल के साथ में ज्वाइन करते हैं तब आपके पास में पैसा आता है। और फॉलोअप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि फॉलोअप एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा सेल निकलता है, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें और आपको फॉलोअप करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से सेल निकलता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं फॉलोअप क्यों जरूरी है, पर वीक चेक। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस के अंदर हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, आपको पता है सेफ शॉप वीकली पे आउट देता है, हर हफ्ते चेक देता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिनका लगातार चेक नहीं बन पाता। उसके पीछे मेन रीजन क्या है, उसके पीछे मेन रीजन ये है क्योंकि दोस्तों वो फॉलोअप नहीं करते। दोस्तों इस बिजनेस में मेरा ये एक्सपीरियंस है, अगर कोई भी आदमी अपना हर हफ्ते अगर चेक बनाना चाहता है तो उसे एक चीज फॉलो करना है। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? यस। दोस्तों आपने क्या करना है, आपके पास में हर हफ्ता फॉलोअप की एक लिस्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास में हर हफ्ते फॉलोअप की एक मिनिमम 20 लोगों की भी लिस्ट होती है, यहाँ पे मैंने लिखा है मस्ट हैव मोर ऑप्शन। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, पूरे हफ्ते में एक या दो लोगों को ज्वाइन कराते हैं और उन्हीं का फॉलोअप में लगे रहते हैं, और हो सकता है जब पूरा हफ्ता बीत जाता है, जब क्लोजिंग का समय आता है उस समय भी उनका सेल नहीं निकलता और उस समय आपका चेक नहीं बन पाता। लेकिन दोस्तों अगर हर हफ्ते अगर आपके पास में नए 20 लोगों की लिस्ट होगी फॉलोअप के लिए, और उन 20 लोगों पे जब आप फोकस करेंगे, जब उनका आप लगातार फॉलोअप करेंगे, अगर गारंटी इस बात की अगर आप 20 लोगों का फॉलोअप करते हैं तो दोस्तों अगर एक बंदा अगर डीडी नहीं देता है तो दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा तो तीसरा देगा, तीसरा नहीं देगा तो चौथा देगा, यानी दोस्तों 20 ऑप्शन अगर आपके पास में है तो 4 से 5, 5 से 10 लोग आपके साथ में सेल देंगे। और ऐसा हर हफ्ता आप अगर आप करेंगे तो दोस्तों हर हफ्ता आपके साथ में चेक बनने वाला है, और यही चीज आपने अपने टीम के अंदर डुप्लीकेशन कराना है। अगर आपके पास में सेल्फ लिस्ट नहीं है तो दोस्तों आप अपनी टीम के साथ में, आपकी टीम में जितने भी लोग प्लान दे रहे हैं उनका लिस्ट बना के हर हफ्ते अगर आप ऐसा करेंगे तो इस बात का दावा है दोस्तों आपका किसी भी हफ्ते चेक मिस होने वाला नहीं है, इसीलिए हमें फॉलोअप करना है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, हेल्प पीपल टू मेक डिसीजन। फॉलोअप क्यों करना है, फॉलोअप इसीलिए करना है दोस्तों, फॉलोअप एक ऐसा माध्यम है दोस्तों जिसके माध्यम से लोग डिसीजन ले पाते हैं इस बिजनेस को करने का। अक्सर होता क्या है, जब लोग इस बिजनेस प्लान को देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और ज्वाइन करने का भी दिल करता है, लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए इस बिजनेस में केवल हम ही एक ऐसे आदमी होते हैं, हम ही एक ऐसे इंसान होते हैं जो उस इंसान को मदद करते हैं इस बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए, डिसीजन लेने के लिए उसको मदद कर पाते हैं। हमारे अलावा उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके मिलने जुलने वाले, उसके अड़ोसी, उसके पड़ोसी, हर कोई उसके पीछे पड़ा होता है, उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। केवल एक ही आदमी होता है जो उसको डिसीजन लेने में मदद करता है, वो कौन है, वो हम है। आदमी डिसीजन लेने के लिए तब तैयार होगा दोस्तों जब हम उसका फॉलोअप करेंगे, इसीलिए हमने लोगों का फॉलोअप करना है।
दूसरा पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नेगेटिविटी, न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न का मतलब आप सारे लोगों को पता है। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ दोस्तों, जंगल में जो शिकारी होता है ना, शिकारी को एक चीज बहुत पसंद होती है, वो है न्यू बॉर्न। जो भी न्यू बॉर्न चीज होती है, न्यू बॉर्न शिकार होता है, उसको वो शिकारी को सबसे ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टेस्टी होता है। इसी तरीके से दोस्तों, इस बिजनेस में जब लोग आते हैं, प्लान देखते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, वो इस बिजनेस में न्यू बॉर्न होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर उस समय 24 घंटे के अंदर अगर हम उसका फॉलोअप नहीं करते, तो दोस्तों जिस तरीके से जो न्यू बॉर्न जो शिकार होता है, वो शिकारी का फेवरेट होता है, उसी तरीके से इस बिजनेस में जो आपके साथ में लोग आते, जो कमिटमेंट करते, मैं 10 को ज्वाइन करा दूंगा, मैं लाइन लगा दूंगा, अरे सर आप देखो मैं तो 100 लोगों की टीम बना दूंगा छुट्टियों में, जो लोग ऐसा बोलते हैं वो लोग बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनका फॉलोअप नहीं होता, उनको कोई ना कोई उनके कान में फूंक मार देता है। तो दोस्तों, फॉलोअप हमने इसलिए करना है कि जो नए लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आते हैं, हम उनको नेगेटिविटी से बचा पाए, उनको प्रोटेक्ट कर पाए। अगर आपने उनका सही तरीके से फॉलोअप कर दिया, तो दोस्तों नेगेटिव से नेगेटिव आदमी भी अगर उनको मिलता है, फिर भी वो डिमोटिवेट होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये सारा पॉइंट है जिसकी वजह से हमने और आपने फॉलोअप करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लीडर्स है जो लगातार प्लान दिखाते हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों फॉलोअप नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो रिजल्ट बहुत ही कम है। और दोस्तों, मुझे पक्का विश्वास है हम और आप फॉलोअप में बहुत ज्यादा फोकस करने वाले, क्या करने वाले? यस। चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इफेक्टिव फॉलोअप टेक्निक्स। कुछ ऐसी टेक्निक्स है दोस्तों इस बिजनेस में, अगर आपने उस फॉलोअप की टेक्निक्स को अगर आपने अपने माइंड में ले लिया और उसे अगर फॉलो किया, तो दोस्तों आपका फॉलोअप बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। ऐसे बहुत सारे लोग हम जानते हैं जो काफी अच्छा फॉलोअप करते हैं, लेकिन उनके पास में फॉलोअप की टेक्निक ना होने की वजह से वो फॉलोअप तो अच्छा करते हैं, लेकिन उनका फॉलोअप इफेक्टिव नहीं होता, यानी कि रिजल्ट नहीं आते। तो दोस्तों, हम अभी देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट है जिस पॉइंट को फॉलो करके हमारा फॉलोअप इफेक्टिव हो सकता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ड्रेस को, योर अटायर, यानी कि दोस्तों आपकी वेशभूषा। अगर आप देखेंगे दोस्तों, जब भी आप किसी से भी आप मिलते हैं, आप किसी के घर में जाते हैं, अभी तो सारा बिजनेस ऑनलाइन में हो चुका है, जब भी आप ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं या किसी का फॉलोअप करते हैं दोस्तों, ड्रेस कोड मैटर करता है। क्योंकि दोस्तों, आपसे कोई भी इंसान जब मिलता है, 3 सेकंड के अंदर, कितना, विद इन 3 सेकंड, या तो आपको वो रिजेक्ट कर देता है, या तो आपको वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखेंगे 3 सेकंड में ना आप उनसे बात कर पाएंगे, ना उनको आप इम्प्रेस कर पाएंगे, केवल आपके ड्रेस कोड के माध्यम से सामने वाला आपको सुनने के लिए तैयार हो जाता है, या सामने वाला अपने अंदरूनी रूप से अपने कानों को बंद कर देता है। इस बात का फैसला होने वाला है आपके और हमारे ड्रेस कोड से। अगर हमारा और आपका ड्रेस कोड अगर बढ़िया होगा, तो माय डियर फ्रेंड, सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा और आपसे वो इम्प्रेस हो जाएगा। तो अपने ड्रेस कोड पे जरूर आपने ध्यान देना है, आपका ड्रेस कोड बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, गिव गुड कॉम्प्लीमेंट्स। जब भी आप किसी का फॉलोअप करते हैं, तो दोस्तों आपने देखा होगा इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान है दोस्तों, सबको भगवान ने बनाया है, हम और आप भगवान की क्रिएशन है, और भगवान ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबियां दिया है, कोई ना कोई काबिलियत दिया है। हमने क्या करना है, सामने वाले की तारीफ करनी है। अक्सर क्या होता है, हम जब भी फॉलोअप करते हैं तो सामने वाले से डिस्कशन हम करना शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों हमने कभी भी ऐसा नहीं करना है। हमने हमेशा जब हम सामने वाले से बात करते हैं, तो उनके बारे में जरूर हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है, तो उसके हिसाब से हमें उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना है, उनकी तारीफ करनी है। या तो उनके फैमिली के बारे में हम तारीफ कर सकते हैं, या कुछ भी हो, लेकिन हमने जरूर सामने वाले की तारीफ करनी है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रख लेना, अगर सामने वाला आपसे ऑपोजिट जेंडर में है, तो उनकी काम की तारीफ करनी है। किसकी तारीफ करनी है, इंसान की तारीफ मत करना, काम की तारीफ करना। अगर कोई मैम है, तो आप मैम को बोलेंगे, अरे मैम आप बहुत ही खूबसूरत हो, तो हो सकता है वो उस चीज को नेगेटिव ले ले, लेकिन आप उनकी काम की तारीफ कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं, मैम आप बहुत ही अच्छा बोलती हो, और आप जिस तरीके से बोलती हो ना मैम, इस बिजनेस में आप बहुत आगे जा सकती हो, और आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। यानी कि लोगों की काम की आपने तारीफ करनी है, समझ में आ रहा है? आपने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट लोगों को देनी है। इससे क्या होगा, सामने वाला जब आप किसी की तारीफ करते हैं,
तो दोस्तों सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में कोई भी किसी की तारीफ नहीं करता। जब आप सामने वाले की तारीफ करते हैं आप उसके दोस्त बन जाते हैं। तो हमेशा ये चीज याद करना, कॉम्प्लीमेंट देना है आपने। दूसरी चीज, कीप ऑन स्माइलिंग। हमेशा दोस्तों फॉलो अप का ये इफेक्टिव नियम है दोस्तों, टेक्निक है, आपने मुस्कुराते रहना है। कीप ऑन स्माइलिंग, चाहे सामने वाला कोई भी आपके साथ में सवाल कर रहा हो, चाहे जितनी भी नेगेटिविटी भरा हो सवाल कर रहा हो, थंब रूल है फॉलो अप का, आपने स्माइल करते रहना। और मैंने साइड में लिखा है रियल, जो स्माइल होना चाहिए वो रियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बहुत सारे लोग दिखावटी स्माइल भी करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप दिखावटी स्माइल करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा। तो आपने रियल स्माइल करना है और मुस्कुराते रहना है सामने वाले के साथ में। सामने वाला चाहे जितना भी परेशान हो, चाहे सामने वाला जितनी भी नेगेटिव सवाल आपसे कर रहा हो, आपने क्या करना है? मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहना है, मुस्कुराते रहना है। क्या आप मुस्कुरा पाएंगे? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। इसके आगे देखते हैं दोस्तों फॉलो अप का सबसे बेहतरीन रूल, जिसको हमने फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा फॉलो अप बहुत ही इफेक्टिव होगा, वो है दोस्तों F3, फील फेल्ट फाउंड। यानी कि दोस्तों कोई भी इंसान आपसे कोई भी सवाल पूछता है, इस चीज का आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपको किसी ने पूछा कि आपकी कंपनी भाग गई, तो आपने उसको जवाब देने से पहले, ये फॉलो अप का थंब रूल है। अगर आप उसको इफेक्टिव फॉलो अप, अगर आप चाहते हैं आपको फॉलो अप असरदार हो, तो आपने ये इस्तेमाल करना है। इसका मतलब क्या है? फील फेल्ट और फाउंड। सबसे पहले अगर सामने वाला कोई भी सवाल पूछता है, उनको सबसे पहले आपने मुस्कुराना है, और मुस्कुराने के बाद उनको बताना है आप बिल्कुल सही कह रहे। क्या बोलना है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फील किया आपने। उसके बाद में फेल्ट, मुझे भी ऐसे ही लगता था। क्या बोलना है? मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने इस चीज को समझा, जब मैं अपने अपलाइन से मिला, तो उन्होंने जब मुझे बताया, तो मुझे पता चला कि ये ऐसा नहीं, ये तो ऐसा है। ये होता है फील फेल्ट और फाउंड। इससे क्या फायदा होता है? अगर कोई भी आदमी आपसे कोई भी सवाल पूछता है, अगर आप पहले उन्हें रिजेक्ट कर लेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा? डिस्कशन होगा। लेकिन अगर आप पहले उनकी बातों को एग्री करते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे, तो सामने वाला आपसे अपने आप को रिलेट कर पाएगा। दूसरी बात, आपने क्या बोला? मुझे भी ऐसा ही लगता था। तो सामने वाले को ये फील होता, अरे ये इंसान भी मेरे जैसा है, इसको भी ऐसा ही लगता था। तो सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हमेशा F3 का फॉर्मूला आपने फॉलोअप में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आगे हम देखें स्पीक लेस लिसन मोर। जब भी आप फॉलोअप करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश करना सामने वाले को ज्यादा सुनने की आपने कोशिश करनी है और कम बोलना है। अक्सर क्या होता है फॉलोअप में जब हम जाते हैं तो हम ही बोलते रहते हैं। इससे क्या होता है? सामने वाला आपकी बात तो सुनता है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर आप सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा अगर आप बोलने का मौका देंगे और आप कम बोलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे, तो दोस्तों सामने वाले की जब बात आप सुनेंगे तो क्या होगा? सामने वाले को ये चीज बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि दोस्तों आज कोई भी किसी को सुनता नहीं है। जब आप सामने वाले को सुनेंगे तो दोस्तों आप उसके साथ में एक अच्छा रिलेशन बना पाएंगे। तो हमेशा इस चीज को आपने फॉलो करना है। फॉलो अप में आप जब जाते हैं, सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका देना है और आपने कम बोलना है, पॉइंट टू पॉइंट बोलना है। ऐसा ना हो कि वो सवाल पूछ रहा है और सवाल पूछने से पहले आपने उसे टोक दिया और आपने बोलना स्टार्ट किया। उसे पूरा बोलने दो, उसकी बातों को खत्म करने दो, उसके बाद में आपने अपनी बातों को शुरू करना है। इसके अलावा आप देखेंगे प्रोडक्ट नॉलेज। दोस्तों फॉलोअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास में प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों प्रोस्पेक्ट नीड, सामने वाले को कौन से प्रोडक्ट चाहिए, ये आपको तब पता चलेगा जब आपके पास में प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको प्रोडक्ट्स की नॉलेज ही नहीं है। और आप मुझे बताइए, अगर आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी तो आप सामने वाले को इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारे महागुरु जी अविनाश सर के माध्यम से रोज मॉर्निंग में ये मीटिंग्स हो रहा है जहाँ पे हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे, वो प्रोडक्ट नॉलेज से वंचित है, उनके पास में कोई प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो हम कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए तो मॉर्निंग की मीटिंग को आप रेगुलर अटेंड कीजिए, जिसके माध्यम से आपको पास में प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, और प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो आपका फॉलोअप बहुत ज्यादा असरदार होने वाला है। आपको ये पता चलेगा सामने वाले को कौन सी प्रोडक्ट की नीड है। जब आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो सामने वाला आपके साथ में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो प्रोडक्ट की नॉलेज हमारे और आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा थर्ड पार्टी अप्रोच, कॉमन रेपो। हमेशा दोस्तों जब आप फॉलोअप में जाते हैं, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं
जब सामने वाला कोई ऐसा सवाल पूछता है जो सवाल का जवाब आपके पास में नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, थर्ड पार्टी अप्रोच करना है, वो भी कॉमन रेपो। हम बहुत अक्सर हम थर्ड पार्टी अप्रोच करते हैं दोस्तों, लेकिन कॉमन रेपो के साथ में नहीं कर पाते। कॉमन रेपो का मतलब क्या होता है, एक स्टूडेंट को अगर आपने आप फॉलोअप कर रहे हैं, तो दोस्तों आप इंश्योर कीजिए उस स्टूडेंट का, आप किसी स्टूडेंट के माध्यम से ही आप थर्ड पार्टी कराए, क्योंकि उससे क्या होगा, वो सामने वाले को अपने आप से रिलेट कर पाएगा। जब रिलेट करेगा तब वो मोटिवेट होगा। जा तो लोग गलती क्या करते हैं, एक स्टूडेंट को हाउसवाइफ से थर्ड पार्टी कराते, एक हाउसवाइफ को स्टूडेंट से थर्ड पार्टी कराते, एक आर्मी वाले जो इंडियन आर्मी में है उसको एक नॉर्मल जॉब वाले से थर्ड पार्टी कराते, जो बिजनेस में है उसको स्टूडेंट से थर्ड पार्टी कराते। ये एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, इसको आपने फॉलो करना है। कॉमन रेपो आपने एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, सामने वाला जिस फील्ड से है उसे उसी फील्ड के इंसान से अगर आप फॉलोअप कराएंगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आपने थर्ड पार्टी कराना है, और थर्ड पार्टी कराते समय आपने इस चीज का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप अपने सीनियर को अपने एक्टिव अप्लाइंट को कॉल करते हैं, पहले इंश्योर कर ले कि वो फ्री है। हम सीधा फोन लगाते और बोलते सर आपसे बात कराना ये वो, ना, पहले आप इंश्योर कर ले सर आपके पास में 2 मिनट का टाइम है, सर आप फ्री है, पहले आप उनसे आप इंश्योर कर ले कि वो फ्री है या नहीं है। उसके बाद में आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर हमारे बीच में यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठे हैं सर, और उनको मैंने आपके बारे में बताया, सर आप भी स्टूडेंट है, आपने अपने स्टूडेंट में अपनी पढ़ाई करते हुए इस बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से किया सर, आज हजारों लोगों की टीम आपने बनाई है, और मुझे सर पक्का विश्वास है, उनको ये बताना है। अगर सामने वाला ज्वाइन करना नहीं चाह रहा है तो आपने ये नहीं बोलना है कि सर देखो ना ज्वाइन करना नहीं चाह रहा है, आप समझा दो, ये बिल्कुल भी आपने नहीं बोलना। आपने बोलना है कि सर सर बहुत एक्साइटेड है, भले ही वो एक्साइटेड ना हो, आपने बोलना है सर बहुत ही एक्साइटेड है, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए 50-50 है, और मुझे पक्का विश्वास है सर अगर आपका 2 मिनट का समय मिल जाएगा तो सर इस बिजनेस में डिसीजन ले पाएंगे, और सर अपनी जिंदगी तो बदलेंगे साथ ही साथ हजारों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लेके आएंगे, सर आपका 2 मिनट का समय। इस तरीके से आपने थर्ड पार्टी कराने कॉमन रेपो के साथ में, क्या आप करा सकते हैं थर्ड पार्टी? इससे आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे इस बिजनेस में। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप फॉलोअप करते हैं, ये चीज आपने करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जब आप फॉलोअप करते हैं सामने वाले को हो सकता है कभी कभी आपके ऊपर विश्वास ना हो, लेकिन अगर आप उन्हें वीडियो दिखाते, कुछ वीडियोज है हमारे पास में, जो वीडियो देखने के बाद में दोस्तों सामने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और सामने वाले को पता चलता है ये बिजनेस का पावर। वो वीडियो का नाम क्या है, सौभाग्य, सौभाग्य प्रोग्राम का आप सामने वाले को वीडियो दिखा सकते हैं, आशीर्वाद, आशीर्वाद प्रोग्राम का आप वीडियो दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ जो लग्जरी कार अचीवर्स का जो हमारे पास में वीडियो है, ये तीनों वीडियो आपने इंश्योर करना है, आप जब भी फॉलोअप करते हैं आपने इन तीनों में से कोई भी एक वीडियो सामने वाले को जरूर दिखाना है। जब सामने वाला इस वीडियो को देखता है दोस्तों, तो वो आपकी बात सुनने के लिए, आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, तो आपने हमेशा इस वीडियो को दिखाना है। ये जो चीजें मैंने बताया दोस्तों, इस चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं, क्योंकि दोस्तों फॉलोअप में ज्यादातर क्या होता है, सवाल जवाब होता है, सामने वाला सवाल करता है और उसका जवाब हमें देना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा भी ये कुछ ऐसे नियम है जिसको अगर हम आप फॉलो करेंगे, अगर हम और आप इसे अगर इम्प्लीमेंट करेंगे दोस्तों, तो हमारा फॉलोअप बहुत ही असरदार होने वाला है और हमको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कुछ ऐसे सवाल है दोस्तों जो इस बिजनेस में, जब भी आप किसी को भी ये बिजनेस प्लान दिखाते हैं, हर किसी का वही सवाल होता है, तो इस सवाल के जवाब फॉलोअप में दोस्तों महारत हासिल करनी है। कुछ सवाल जवाब है जिस सवाल का जवाब आपको आना चाहिए, अगर ये चंद सवाल के जवाब अगर देना अगर आपको आ गया तो आप फॉलोअप में महारत हासिल करेंगे, और गारंटी इस बात की है आप आगे जितना भी काम करते जाएंगे आपको यही सवाल मिलते जाएंगे, और ये सवाल का जवाब अगर देना अगर आपको आता है तो आप सामने वाले को सही तरीके से डील कर पाएंगे और सामने वाले को आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन से सवाल है जो अक्सर फील्ड में हमसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला, आई हैव नो टाइम, इसके अलावा आप देख सकते हैं आई हैव नो मनी, मेरे पास में समय नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लोग बोलते हैं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चलो बहुत बढ़िया, हाउ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी, कंपनी इतना पैसा दे कहाँ से रही है, कहाँ से दे रही है कंपनी इतना ज्यादा पैसा, लोगों का ये सवाल भी होता है। इसके अलावा इस कंपनी लीगल, कंपनी क्या लीगल है, कहीं इलीगल तो नहीं है। इसके अलावा इफ कंपनी रन अवे, अगर कंपनी भाग गई तो, कंपनी भाग गई तो क्या होगा,
इसके अलावा प्रोडक्ट इज कॉस्टली, यार आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। इसके अलावा देखिए आई कैन मेक यू डाउनलाइन, सब कुछ सही है पर दो नहीं बने तो। ये दोस्तों कुछ ऐसे सवाल है जो आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, ज्यादातर लोग इस यही सवाल पूछते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सवाल, ये जब सवाल आपके पास में आता है, अगर ये सवाल के जवाब अगर आप तैयारी कर लेते, अगर आप रेडी हो जाते हैं सवाल का जवाब देने के लिए, तो दोस्तों आप फॉलोअप में महारत हासिल करते हैं। और जब आपको महारत हासिल होता है, आपने देखा होगा आपका अगर कोई भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया और क्वेश्चन पेपर देखने के बाद में आपको पता चल गया, अरे यार ये सारे के सारे सवाल के जवाब मुझे आते हैं, तो अंदर से कैसा एक्साइटमेंट आता है, बढ़िया आता है इसी नो। तो उसी तरीके दोस्तों इस बिजनेस में भी चंद सवाल है, यही सवाल आपको हर आदमी पूछने वाला है, आपको फील्ड में हर आदमी यही सवाल पूछने वाला है। ये सारे सवालों का जवाब देना अगर आपको आ गया तो आप हमेशा खुश होंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान, कोई भी प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल पूछेगा तो यही सारे सवाल होंगे। तो थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि इसका जवाब आपने कैसे देना है। आई हैव नो टाइम, सामने वाले ने पूछा मेरे पास में टाइम नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मुस्कुराना है, गिव अ बिग स्माइल, एक बड़े मुस्कुराहट के साथ में आपने स्माइल दिया, आपने बोला सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। क्या बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे सर, जब पहली बार मैंने इस प्लान को देखा था मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मेरे पास में तो टाइम ही नहीं है, मैं कैसे इस बिजनेस को कर सकता हूँ। लेकिन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस प्लान के बारे में बताया था, उन्होंने मुझे एक बात समझाया, सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको भी वो बात बताना चाहता हूँ, और गारंटी इस बात की है अगर ये बात अगर आपने सुन लिया तो आप मेरी बातों को एग्री करेंगे, क्योंकि मैं एग्री हुआ, मैं इस बिजनेस में आज काम कर रहा हूँ, और गारंटी इस बात की है सर आप भी एग्री होंगे और आप भी इस बिजनेस को करेंगे। क्या आप जानना चाहेंगे सर, जानना चाहेंगे बोल के जब आप ऐसे सिर हिलाएंगे तो सामने वाला भी ऐसे सिर हिलाएगा, तो उनको बताना कि सर मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था कि हर इंसान के पास में 24 घंटा होता है, ऊपर वाले ने किसी को 28 घंटा, किसी को 32 घंटा नहीं दिया है, लेकिन सर आज हम बिजी है। आज हम क्यों बिजी है, आज हम पैसे कमाने के लिए बिजी है, लेकिन सर आप देखिए आज जितना बिजी हम है क्या उस हिसाब से हम पैसा कमा रहे, बिल्कुल नहीं कमा रहे, लेकिन सर गारंटी इस बात की है आपके और हमारे पास में जो 24 घंटे है, उस 24 घंटे के अंदर आप जॉब करते होंगे, आपका पर्सनल बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारी चीजें, अगर आप सर उनसे पूछ लेना आप कितने घंटे जॉब करते हो, बोलता है 8 घंटा जॉब करता हूँ, चलो सर बहुत बढ़िया 8 घंटा जॉब करते हैं। इसके अलावा सर मान लीजिए 3-4 घंटा आपके नहाने में, खाने में, आपका जो पर्सनल काम में लग गए, आने में जाने में लग गए, और सर 8 और 4 घंटा 12 घंटा हो गए, और मान लीजिए आप 8 घंटा सोते हैं, बचे 4 घंटे, सर ये 4 घंटा ये गोल्डन आवर है, ये 4 घंटे में आप क्या करते, हो सकता है सर इस 4 घंटे को आप लगातार, जब से आप इस दुनिया में आए ये 4 घंटा लगातार आपका वेस्ट हो रहा है सर, लेकिन इस 4 घंटे के अंदर हो सकता है आप इसको टीवी देखने में बर्बाद कर रहे, नेट सर्फिंग में आप बर्बाद कर रहे, आराम करने में बर्बाद कर रहे, लेकिन सर ये 4 घंटा मेरा कमिटमेंट है, 4 घंटा भी नहीं, अगर आप रोज 2 घंटा निकालने के लिए भी अगर तैयार है तो मैं आपके साथ में हूँ, मैं भी आपके साथ में 2 घंटा दूंगा, और सर गारंटी इस बात की दोनों मिलकर काम करेंगे सर, मेरे पास में भी टाइम नहीं है, आपके पास में टाइम नहीं है सर, अगर आप 2 घंटा देने के लिए तैयार है आइए सर मिलके समय कमाते हैं, क्या आप तैयार है सर। जब आप ऐसा बोलते हैं तो सामने वाला भी आपको इस बात को एग्री करेगा। दूसरा बोलेगा आई हैव नो मनी, मेरे पास में पैसा नहीं है। सेम चीज जो मैंने बताया, जो थंब रूल, मुस्कुराते हुए, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे साथ में भी ये प्रॉब्लम था, मेरा भी ये सवाल था कि मेरे पास में पैसा नहीं है, लेकिन सर आप मुझे बताइए आज अगर हमारे पास में पैसा नहीं है तो हमको कैसा फील होता है, क्या हमको अच्छा लगता है हमारे पास में पैसा नहीं है। आज हमेशा सर, आज हम ऐसी बात नहीं है, आज हम काम कर रहे हैं, आज आप जो जॉब कर रहे हैं सर, आज आप जॉब कर रहे, इतने सालों से आप जॉब कर रहे हैं, आप आज भी बोल रहे पैसा नहीं है सर, अगर आज भी अगर आपने इसके अलावा, जॉब के अलावा अगर कुछ नहीं किया तो आने वाले दिन में भी आप बोलेंगे पैसा नहीं है, जब जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस के अलावा भी, तभी भी आप क्या बोलेंगे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन सर गारंटी इस बात की, अगर आप एक बार अगर मैनेज करके अगर इस बिजनेस को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सर आपको कभी भी पैसा नहीं है बोलने की जरूरत नहीं है, हमेशा सर ये गाना आपका चेंज होने वाला है, हमेशा आप ये बोल सकते हैं कि पैसा है, पैसा है, पैसा है, सर मेरे पास में भी पैसा नहीं है और आपके पास में भी पैसा नहीं है, आइए सर मिलके पैसा कमाते हैं, आप इस तरीके से बता सकते हैं। और दोस्तों अभी कंपनी इतनी बढ़िया है, कंपनी ने हर बजट के प्रोडक्ट्स हमारे पास में अवेलेबल करा दिए, आप सामने वाले को पूछ सकते हैं सर आपका बजट क्या है सर। वैसे तो इस बिजनेस में लोग 30,000 के प्रोडक्ट्स लेके ज्वाइन करते हैं और आपके पास में आप बता रहे पैसा नहीं है, तो आपका बजट क्या है सर,
क्या आप 30,000 का प्रोडक्ट ले सकते हैं? सामने वाला बोलेगा ना ना 30,000 का नहीं। चलो सर कोई बात नहीं, तो आप 15,000 का तो ले सकते हैं? यस। तो बोलेगा नहीं 15,000 में। अरे सर चलो कोई बात नहीं, तो पक्का आप 10,000 का तो ले सकते हैं? यस। जब आप ऐसा बोलते हैं, जब आप 30 से स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है दोस्तों वो 15 या 10 तक में वो मान जाए। अगर उस तक में भी नहीं मानता है तो 5 तक में तो मान जाएगा। यस या नो? तो दोस्तों इस तरीके से बात करके आप उनको उनके इस सवालों का आप जवाब दे सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं, थंब रूल सबसे पहले मुस्कुराना है। मुझे भी ऐसा ही लगता था सर, मैं भी इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन उनसे आपने पूछना है। हर सवाल का जवाब देने से पहले, जवाब देने से अच्छा है आप उनसे सवाल पूछे। उन्होंने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप उनसे पूछिए मुस्कुराते हुए कि सर आप किस चीज में इंटरेस्टेड है? सर आप मुझे बताइए सर, आज जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चलाता है, क्या वो गाड़ी चलाने में इंटरेस्टेड है? जो इंसान घर बना रहा है, क्या वो घर बनाने में इंटरेस्टेड है? जो भी आदमी जो भी काम कर रहा है वो उस काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको वहां से क्या मिल रहा है? रोकड़ा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? रोकड़ा मिल रहा है, इसीलिए वो वहां पे वो काम कर रहा है। सर इंटरेस्ट का सीधा सा लिंक है पैसे से सर। और मेरा आपसे कुछ सवाल है सर, मैं आपसे सिर्फ यस और नो में जवाब चाहता हूं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा सर, अगर आपकी इजाजत हो। तो वो क्या बोलेगा? यस करो। तो उनसे आप पूछे क्या सर आप एक कार खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो? क्या बोलेगा? सिर हिलाना ऐसे, यस। क्या आप सर बढ़िया बढ़िया शॉपिंग मॉल में महंगे महंगे अपने लिए, अपने फैमिली के लिए शॉपिंग करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो? यस। क्या आप विदेश यात्रा करने के लिए इंटरेस्टेड हो? यस। क्या आप सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल पाने के लिए आप इंटरेस्टेड हो? यस। तो सर आप इंटरेस्टेड हो तो आपके पास में और कोई रास्ता ये सारी चीजें अचीव करने के लिए नहीं है? सर बधाई हो आपको सर, ये जो भी चीज आपने बोला कि आप इंटरेस्टेड हो यहाँ से मिल सकता है। सर आइए सर, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं था लेकिन सर आज मैं इंटरेस्टेड हो गया। आइए सर, अगर इन सारी चीजों पे अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये सारी चीजें अगर आप अचीव करना चाहते हैं, आइए सर मिलके काम करते हैं। और जिस चीज में हमको और आपको इंटरेस्ट है सारी चीजें मिलके अचीव करेंगे सर। आइए, वेलकम है सर आपको इन बिजनेस। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। उसके बाद में हाउ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी, कंपनी पैसा कैसे बांटते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कंपनी पैसा कैसे देती है। सीधा सा सेम थंब रूल मुस्कुराते हुए, मुझे भी ऐसे ही लगा था, मेरा भी ये सवाल था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगा था, मेरा भी ये सवाल था। लेकिन जब मैंने, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि सर हर प्रोडक्ट, सपोज मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले एक चेन से गुजरता है। वो चेन होता है सर, मैन्युफैक्चर ने इस प्रोडक्ट को बनाया। इस प्रोडक्ट को बनाते हुए, बनाने में मात्र मान लीजिए 3,000 रुपए खर्च हुए, लेकिन ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से सीएनएफ एजेंट के पास आता है, सीएनएफ एजेंट से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, फिर रिटेलर, और उसका एड भी होता है। यानी कि सर ये 3,000 का जो प्रोडक्ट है हमको और आपको, जो हम जब जिस दुकान से खरीदते हैं 10,000 में मिलता है, 7,000 रुपए उन लोगों को मिल रहा है जिनके माध्यम से ये प्रोडक्ट हम तक पहुंचा है। लेकिन हमारी कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर से उठाया और सीधा कस्टमर तक पहुंचाया। और सर जो बीच का 70% पैसा है वो आपको और हमको मिलता है। इस तरीके से आपने मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंस के साथ में उनको जवाब देना है। तो पूछते क्या कंपनी लीगल है? बिल्कुल सर, मेरा भी यही सवाल था, मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन सर जब मैंने इस कंपनी के बैकग्राउंड को देखा, पिछले 19 साल से काम कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे कंपनी काम कर रही है। आप मुझे बताइए सर, अगर कोई कंपनी 19 साल से काम कर रही है तो वो लीगली होगी? यस। लेकिन मैंने भी ये बोला था, आप बता तो रहे हो लेकिन प्रूफ क्या है आपके पास में? तो मेरे अपलाइन में सर सीधा मेरे सामने वेबसाइट में, अगर आप डेस्कटॉप व्यू में जाके, अगर ऑनलाइन, अगर नेट में जाके www.safeshopindia.com डाल के अगर वहां पे लॉग इन करते हैं, वहां पे देखना एक लीगल का एक अलग सा ऑप्शन आता है। उस लीगल में अगर आप क्लिक करेंगे तो कंपनी के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। और वो पूरे के पूरे जितने भी भारत सरकार ने हमें जो सर्टिफाइड किया है, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इसके अलावा जो ISO सर्टिफिकेट है, इसके अलावा जो पैन कार्ड है, आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे। जिसे देखने के बाद में, वैसे तो सर मुझे पता है आपको वो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहां पे देख सकते हैं। इस तरीके से हम उनको बता सकते हैं कि सर आप खुद चेक कर सकते हैं कंपनी लीगल है या नहीं है, उसको मदद करना है वो देखने के लिए। इसके अलावा अगर कंपनी भाग गई तो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपनी भाग गई तो, फिर आपने क्या करना है? सेम चीज
फील फेल फाउंड, उसके बाद में सवाल के जगह पे आपने सवाल पूछे, सर आप मुझे बताइए सर, जब मैंने भी यही सवाल पूछा था मेरे अपलाइन ने मुझे बोला था आप मुझे बताइए सर कौन सी कंपनी भागती है, तो उनसे आप पूछ लीजिए सर आप बताइए कौन सी कंपनी भागती है, अगर नॉलेज होगा तो बताएगा, अगर नहीं होगा तो उस पठान कुछ भी बताएगा, हमको बताना सर कुछ ऐसी कंपनी है जो भागती है। आप बिल्कुल सही कह रहे, कंपनी वो भागती है सर जो सबसे पहले पैसा जमा करती है, वो कंपनी भागती है सर। दूसरी वो कंपनी भागती है जो वादा करती है सर, लेकिन आप मुझे बताइए सर हमारी कंपनी ना पैसा जमा करती है ना कंपनी वादा करती है, यहाँ पे आप पैसा देते हैं उस पैसे के बदले आपको सामान मिलता है, और आप हमारी कंपनी आपको वादा नहीं करती कि आप 8,000 दो और 40 लाख आपको एक साल में मिलेगा, अगर आप इस बिजनेस में काम करते हैं तो आपको वो इनकम मिलने वाला है। और आप मुझे एक बात बताइए सर, यहाँ पे इतने बड़े बड़े ब्रांड जो हमारे साथ में टाई अप हुए हैं, रेमंड, विमल, ग्रासिम, इतने बड़े बड़े ब्रांड आज हमारे साथ में काम कर रही है, आपको क्या लगता है सर ये सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, सेल करने के लिए आए या भागने के लिए आए, क्या लगता है सर आपको? तो बोलेगा हाँ ये प्रोडक्ट, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए आई, भागने के लिए नहीं आई। तो सर ये कभी भी भागने वाली नहीं है। और मैं आपको जरूर एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप मुझे बताइए सर अगर आपके पास में एक दुकान है और उस दुकान के अंदर पूरे हिंदुस्तान से लोग आपकी दुकान से सामान खरीद रहे हैं, आपके पास में पैसा आ रहा है और आप उनको सामान दे रहे, तो आप मुझे बताइए क्या आप अपनी दुकान बंद करके कभी भागेंगे क्या? तो बोलेगा ना ना सर नहीं भागूंगा, क्यों? आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है, आप कभी भी दुकान बंद करने वाले नहीं है, आप जब तक जिएंगे आप लगातार उस दुकान को पूरी जिंदगी आप चलाएंगे। यस, इस तरीके से जब आप उन्हें बताएंगे तो उन्हें ये चीज समझ में आएगा कि कंपनी कोई भागने वाली नहीं। और उनको जरूर ये बताना सिर्फ सर अगर कंपनी भाग भी गई तो क्या लेके भागेगी, आप मुझे बताइए, आपने 10,000 दिया था उसके बदले में आपको भगवत गीता मिल गया, आपको संपूर्ण हनुमान मिल गया, तो आपका क्या लगा सर, कुछ लगा क्या? कंपनी भागती तब है जब उसके पास में कुछ होता है, जब उसके पास में कुछ होगा ही नहीं तो क्या भागेगी कंपनी, कंपनी भागने वाली नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोडक्ट इज कॉस्टली, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, लोग ऐसा बोलते हैं कि सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। सेम थंब रूल, मुस्कुराते हुए, मुझे भी ऐसा ही लगता था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब मैंने मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि सर आप मुझे एक बात बताइए कोई भी प्रोडक्ट सस्ती या महंगी नहीं होती, इंसान का खरीदने का औकात उसे सस्ता या महंगा बताता है। आप उनसे एक सवाल पूछिए कि सर अगर आप करोड़पति होते तो आप मुझे बताइए आप जिस घर में रह रहे क्या इसी घर में आप रहते? बोलेगा ना। आपने जो जूता पहना क्या ऐसे जूते आप पहनते? आपने जो कपड़े पहने क्या ऐसे कपड़े आप पहनते? आपने अपने बच्चों को जिस स्कूल में डाला है क्या इसी स्कूल में आप पढ़ाते? बोलेगा ना। यानी कि सर इस दुनिया में कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती, आदमी के खरीदने की औकात सस्ती होती है या तो महंगी होती है। और सर मेरा आपसे एक सवाल है, दिल में हाथ रखे जवाब देना सर, आप मुझे बताइए इस बिजनेस में जितने भी प्रोडक्ट्स है कोई भी महंगा नहीं है सर, सारे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स है। आप मुझे दिल में हाथ रखे एक जवाब बताइए सर कि अगर आप एक जगह एक हाथ में अगर आप एप्पल का मोबाइल फोन लेंगे और एक हाथ में आप कोई चाइनीज कंपनी का मोबाइल लेंगे, क्या आप बोल सकते हैं ये एप्पल फोन महंगा है? क्योंकि सर एप्पल अच्छा है इसीलिए महंगा है, और अच्छी चीज महंगी ही होती है। और मेरा आपसे सवाल है सर, दिल में हाथ रख के एक बात बताना सर, आपको कब गर्व होगा, आपको कब अच्छा लगेगा सर? जब आप महंगी चीज खरीदेंगे आपको तब गर्व होगा, या जब आप सस्ती चीज खरीदेंगे आपको तब गर्व होगा? कब गर्व होगा सर आप बताइए? तो वो भी सीना तांग के बोलेगा, जब महंगी चीज खरीदूंगा तब गर्व होगा। बधाई हो सर, आइए सर आज तक हो सकता है हमने और आपने बहुत सारी महंगी चीजें खरीदी, आज तक कुछ नहीं मिला सर, लेकिन एक बार यहाँ पे महंगी चीज खरीदने के बाद में अगर बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, सपना पूरा करने का मौका मिल रहा है, तो सर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बधाई हो सर, आइए मिलकर काम करते हैं सर। इसके अलावा लोग बोलते हैं आई कांट मेक टू डाउनलाइन, दो नहीं बने तो, इसका भी आप बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं, सेम थंब रूल, मुझे भी ऐसा ही लगता था, आप बिल्कुल सही कह रहे। लेकिन जब मुझे मेरे अपलाइन ने बताया कि इस बिजनेस में हमें ना दो खोजने हैं ना दो बनाने हैं, क्योंकि लोग तो बने बनाए घूम रहे और किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ लोगों को जानकारी देना है। क्या देना है? जानकारी देना है। और मुझे पक्का विश्वास है सर आपके मिलने जुलने वाले, आपके जान पहचान वाले 100-150 लोग तो होंगे, 100-150 लोगों को तो आप जानते होंगे, लेकिन सर आप मुझे बताइए उन 150 लोगों में से
आप अगर किसी को नहीं समझाएंगे, आप मात्र उन लोगों को मेरे से मिलवाएंगे। अगर आपको क्या लगता है सर, 100-150 लोगों को आप अपने परिचय के लोगों अगर आप मेरे से मिलवाते हैं तो सर आपको क्या लगता है सर 40-50 लोग ज्वाइन हो सकते कि नहीं हो सकते? आप दो की बात कर रहे हो सर, 2 नहीं 2000 नहीं 2 लाख लोग ज्वाइन हो जाएंगे सर, बस आप डिसीजन लीजिए। और यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, और एक कहावत है सर, ट्रेनिंग लेने के बाद में इंसान कठिन से कठिन काम कर देता है। जब एक आदमी ट्रेनिंग लेके प्लेन उड़ा सकता है, जब एक हाथी ट्रेनिंग लेके सर्कस में इंजेक्शन लगा सकता है, तो आप मुझे बताइए सर, अगर इस बिजनेस में अगर हमको आ रहा आपको ट्रेनिंग मिली तो सर दो तो क्या 2000 लोग जुड़ जाएंगे ना सर? जब आप ऐसा बोलेंगे तो ये एग्री हो जाएगा। तो इन सारे सवालों का जवाब आप इस तरीके से दे सकते हैं, और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी और इसमें महारत हासिल करना है। लगातार आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही सारे सवाल है जो आपको फील्ड में पूछे जाएंगे। इसके अलावा आगे हम देखना चाहेंगे सेल्स स्टैटिस्टिक्स। ये कुछ ऐसी चीजें दोस्तों जिससे हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलने वाला है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, 48% ऑफ सेल्स पीपल नेवर फॉलो अप विद अ प्रोस्पेक्ट। 48% ऐसे लोग होते हैं सेल्स के अंदर जो कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप नहीं करते। इसके अलावा 25% ऑफ सेल्स पीपल मेक अ सेकेंड कॉन्टैक्ट एंड स्टॉप। 25% सेल्स पीपल ऐसे होते हैं जो दूसरी बार कॉन्टैक्ट करते हैं और रुक जाते, फिर दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं करते। 12% ऑफ सेल्स पीपल ओनली मेक 3 कॉन्टैक्ट एंड स्टॉप। 12% सेल्स पीपल ऐसे होते हैं जो 3 बार कॉन्टैक्ट करते हैं फिर रुक जाते हैं। इसके अलावा केवल 10% सेल्स पीपल ही ऐसे होते हैं जो 3 बार से ज्यादा कॉन्टैक्ट करते हैं। और सेल्स का ये नियम है दोस्तों, 2% सेल तब होता है जब आप पहली बार मिलते हैं, 3% सेल्स तब होता है जब आप दूसरी बार मिलते हैं, और इसके बाद में आप देखिए 5% सेल्स जब तब होता है जब आप तीसरी बार मिलते हैं, 10% सेल्स तब होता है जब आप चौथी बार मिलते हैं, और दोस्तों 80% सेल्स तब होता है जब आप 5 से 12 बार मिलते हैं। यानी कि लगातार मिलते रहना और लगातार लोगों का फॉलोअप करते रहना। जब भी कोई आपसे सामने वाला सवाल पूछे आप खुश हो जाए, क्योंकि सामने वाला सवाल पूछ रहा है इसका मतलब वो इस बिजनेस को करना चाहता है, वो जुड़ना चाह रहा है, इसीलिए वो आपसे सवाल पूछ रहा है। आपको उसके सवाल का जवाब देना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, 1 किलो आलू खरीदने के लिए हम उस आलू वाले से, उस सब्जी वाले से 4 सवाल पूछते हैं। आप मुझे बताइए सियानो, हम जब आलू खरीदने जाते हैं हम सामने वाले से पूछते हैं भाई आलू कितने के दिए, उससे 1 सवाल पूछा, उसने बोला कि सर आलू 20 रुपया किलो, फिर हम दूसरा सवाल पूछेंगे क्या बात करते हो उस दुकान में तो 18 का मिल रहा है, भले हमें पता नहीं है फिर भी हमने दूसरा सवाल पूछ दिया। फिर वो जवाब देता है कि सर आप पूरे बाजार में आप छान मार लेना, 18 में कोई भी नहीं दे रहा होगा। फिर वो जवाब देगा, फिर आप सवाल करोगे, फिर आप क्या बोलोगे, 16 रुपए किलो आप दोगे? सामने वाला बोलेगा ना ना 16 में तो नहीं होगा, आप देखो अगर थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो तो। फिर आप क्या बोलोगे, ना ना छोड़िए, फिर ओके हम क्या करेंगे उस सब्जी वाले से आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, स्पीड नहीं जाएंगे, वो हमारी नॉर्मल स्पीड नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता इसीलिए जाएंगे क्योंकि हम मन मन में सोचेंगे अगर देता तो कितने में देता। आप बताइए माय डियर फ्रेंड्स, 1 किलो आलू खरीदने के लिए जब उस सेल्समैन के साथ में उस सब्जी वाले को हम 4 सवाल पूछ सकते हैं, तो दोस्तों इस बिजनेस में लोग अपनी जिंदगी लगाने के लिए, इस बिजनेस में हमारे साथ में हमेशा हमेशा के लिए काम करने के लिए, 8-10 हजार का प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपके साथ में 4-5 सवाल करेंगे, और उसका मुस्कुराते हुए दिल खोल के आपने जवाब देना पड़ेगा। क्या सारे लोग तैयार है? चलो yes. बहुत बढ़िया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आके मेरा ये ट्रेनिंग पूरा होता है, और दोस्तों लास्ट में मैं एक एग्जांपल के माध्यम से अपनी ये फॉलो की जो स्लाइड है इसे क्लोज करना चाहूंगा। वो चीज क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्या है, हम जब भी फॉलोअप में जाते हैं हमने सामने वाले को समझने की कोशिश करनी। एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल मुझे बहुत ही अच्छा लगा था माय डियर फ्रेंड। एक बार क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है, वो स्टूडेंट स्कूल में जाता है, और उनसे उसकी एक मैथ की टीचर होती है, वो मैथ की टीचर उनसे एक सवाल पूछती है, उनसे ये सवाल पूछती है कि बेटा आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास में 2 आम है, कितने आपके पास में 2 आम है, और फिर मैंने आपको 2 आम दिए तो आपके पास में कितने आम हो गए? तो बेटा बच्चा मुस्कुराते बोलता है मैम 5 आम हो गए। मैम गुस्सा जाती है, अरे तुझे इतना भी नहीं आता, 2 और 2 5 होते हैं।
तो उनसे फिर सवाल पूछते, बेटा एक बार फिर दोबारा से आप सवाल को आप समझ लो, आपके पास दो आम है, मैंने आपको दो आम दिए, आपके पास में कितने आम होंगे? स्टूडेंट बोलता है मैम पांच आम होंगे। तो मैडम गुस्सा जाती है, फिर बोलती है आप सवाल को ध्यान से सुनो, आपके पास में दो एप्पल है, मैंने आपको दो एप्पल दिए, कितने एप्पल बचे? मैडम चार एप्पल बचे। मैम खुश हो गया, अरे वाह अभी इसको समझ में आ गया। फिर दोबारा सवाल पूछा, आपके पास में दो आम थे, फिर मैंने आपको दो आम दिए, कितने आम हो गए? पांच आम बच गए। अभी मैम को गुस्सा आया, लाठी निकाला और मारने के लिए तैयार। बच्चे ने बोला मैम रुको, एक्चुअली मैम बात ऐसा है, मैं घर से ऑलरेडी एक आम लेके आया था। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से जब आप फॉलोअप में जाते हैं, सामने वाला भी अपनी जगह में सही होता है, वो जो भी अपनी बातें रखता है वो सारा सही होता है, लेकिन इसी तरीके से उसके पास भी एक आम छिपा हुआ है, आपने उस आम को ढूंढना है, आपने पता करना है, क्योंकि जब तक आप पता नहीं करेंगे एक कंफ्यूजन होता रहेगा और सामने वाला नहीं जुड़ेगा। हमेशा सामने वाले को आप एग्री कीजिए तो आपका फॉलोअप बहुत बढ़िया होगा दोस्तों। और यहाँ पर आके मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ही समय ले लिया, मैं गुरु जी से माफी मांगना चाहूंगा। और इतना मतलब बढ़िया तरीके से आप लोगों ने इस नाचीज को सुना, और मैं मेरे माँ गुरु जी अविनाश सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर ने मुझे मौका दिया आज इस फॉलोअप के बारे में आप लोगों को बताने के लिए, और जितने भी हमारे रेड क्लब है जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया आज इस ट्रेनिंग को देने के लिए। थैंक यू माँ गुरु जी, अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूंगा। थैंक यू माँ गुरु जी, थैंक यू। ओके थैंक यू जीवन सर, आपने इतने बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आज की सेशन को हमें दिया।